this module pertains to the method of analysis and in the method of analysis our main topic is the local and global solutions before going to this topic we have to see that what are the various topics for the analysis available for us in the subject of economics there is not a single method of analysis there can be mathematical statistical Econometrics, comparative analysis, the graphical analysis, historical analysis, and case studies. And at the end, we have the game theory. And these all methods they utilize one technique, the basic technique that will be called the optimization. The optimization is the combination of the two words the one, the optimus, and this optimus. डाइव फ्राम द लेटर हैविंग द मीनिंग ऑफ द बेस्ट अमंग यहाँ स्टूडेंट्स मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमारी उर्दू जुबान का माखज अरबी और फारसी है तो जब आप इंग्लिश के बहुत से ऐसे अल्फाज को देखेंगे तो उसका जब हम रूट वर्ड या माखज देखेंगे तो वो आयदर ग्रीक होगा जिसको और दूसरी तरफ या लेटन होगा या यूनानी या लातीनी ज़ुबान तो इसीलिए आप इस चीज़ से नहीं हों कि हर दफ़ा लेटिन या ग्रीक वर्ड ही क्यों उसका सोर्स होता है ऑप्टिमस के साथ एक और वर्ड इसके साथ अटैच था दैट वाज द ओपस जिसके मतलब थे वर्क काम का या काम से रिलेटेड और इस हवाले से अगर हम देखें तो ऑप्टिमल का मतलब है वो चीज़ जो काम की हो और बेहतरीन हो और उस काम के चीज़ों में से बेहतरीन हो एंड ओमनियस फॉर ऑल तो तमाम चीज़ों में से जो हमारे लिए बेहतरीन सोलूशन या बेहतरीन चीज़ होगी दैट विल बी द ऑप्टीमल और द ऑप्टमस एंड ऑप्टिमाइजेशन की जो टेक्निक है ये भी इसी बेस पर है कि जब हमने बेहतरीन चीज़ को सिलेक्ट करके लाना है और इसकी सिग्निफिकेंस को अगर हम इकोनॉमिक्स में देखें तो इसका बेसिक काम क्या है कि ये हमारी किसी भी चीज़ में क्योंकि इकोनॉमिक्स का काम रिसोर्सिस से रिलेटेड है जो स्केर्यर्स रिसोर्स हैं तो ऑप्टिमाइजेशन विल हेल्प अस टू रिड्यूस दॉट टू सेव द रिसोर्स टू इम्प्रूव द एफिशेंसी मीन ओनी स्केर्स रिसोर्स से बेस्ट सोल्यूशन ले कर आना एकोरेसी के साथ बताना और बेहतरीन फैसले करने में मदद देना अब अगर हम देखें तो ऑप्टीमाइजेशन के कुछ एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स में से सबसे पहला जो है वह हमारे पास है चॉइस वेरिएबल्स और उन चॉइस वेरिएबल्स को डिफाइन करना जो है वो बेहतरीन कामों में से सबसे पहला जो ऑप्टिमाइजेशन का होगा कि इसको डिफ़ाइन करें कि चॉइस वेरिएबल डिफरेंट हो सकते हैं एक कंज्यूमर जो कोई भी चीज़ खरीदने जा रहा है उसका चॉइस वेरिएबल होगा कि मैंने अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है उसी तरीके से जो एक फ़र्म है उसका चॉइस वेरिएबल हो सकता है कि मैंने अपने आउटपुट अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है और कई दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि उसी प्रोडक्शन के लिए वो ये चाहे कि उस प्रोडक्शन को मैंने कम से कम इखराजात में कैसे पैदा करना है तो वो उसका चॉइस वेरिएबल रिडक्शन इन कॉस्ट हो जाएगा जब हम अपने चॉइस वेरिएबल को तय कर लें तो हमारा दूसरा जो मेन पार्ट होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ऑब्जेक्टिव फंक्शन बेसिकली एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जिसमें हम तय करते हैं कि एक साइड पे हमारे पास चॉइस वेरिएबल है और वो वेरिएबल को हम क्या वैल्यू देते हैं और हमने अब इसको ऑप्टिमाइज हमने या मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है और इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अचीव करने के लिए हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस क्या हैं हमारे पास सरमाया है कैपिटल है हमारे पास लेबर है या हमारे पास रुपया पैसा है तो ये हमारे पास अवेलेबल कॉन्सट्रेंट्स होंगे और इन तमाम को यूटिलाइज़ करके जो फाइनल मेथड हम डिसाइड करेंगे उसके तहत हम देखेंगे कि हमारी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कैसे चलती है उसी ऑप्टिमाइजेशन को हम ग्राफ के ज़रिए भी ड्रा कर सकते हैं हम चाहे कैलकुलस का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लीनियरजब्रा का कर लें हम ऑप्टिमाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं अब ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के हल कहाँ से आएंगे सोल्यूशन तो बेसिक सोलूशन को अगर हम टेक्निकल कहें तो हम कहते हैं कि जो चॉइस वेरिएबल्स हम लेते हैं उनकी हम वैल्यूज़ के वेक्टर बनाते हैं एक्चुअली चॉइस वेरिएबल कोई भी अगर हमारे पास होगा तो वो उसको क्वांटिफाई करना या दूसरे अल्फाज में हम कहें हमें अदद की शक्ल में या मेजरमेंट की शक्ल में या तादाद की शक्ल में लाना है तो इसीलिए हम उसको कहते हैं हम उसकी वैल्यूज को हमें तय करना पड़ेगा और वो वैल्यूज़ जो फिजिबल सेट या अवेलेबल रिसोर्सिस के अंदर होंगे और फिर हम देखेंगे कि वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए मिनिमम या मैक्सिमा की किस स्टेज पर होगा जब मिनिमम और मैक्सिमा की हम बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास अब बेसिकली दो अहम चीज़ें आएंगी एक जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल सोलूशन और दूसरा जिसको हम बोलते हैं लोकल सोलूशन मैं पहले लोकल सोलूशन की बात करूँगी जो कि नीचे मौजूद है हम उसमें कहते हैं लोकल सोलूशन वो है जो हमारी वो तमाम कंडीशंस को फुलफिल करे उस पॉइंट पे रहते हुए जहाँ पे वो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको हम हासिल करना चाह रहे हैं या हल करना चाह रहे हैं उसकी वो वाली वैल्यू हम लेते हैं जो कि अपने इर्द गिर्द नियर बाय यानी कुछ हद तक जिसको हम बोलें और वो जो नियर बाय है उसको हम नेबरहुड बोलेंगे या एक पर्टिकुलर रेंज है उस रेंज के अंदर वो एक सबसे ऑप्टिमल या बेस्ट पॉइंट हो या जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो लेकिन जब हम ग्लोबल की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ग्लोबल वो पॉइंट होगा कि वो अपने नियर बाय की बजाय उस पूरे एनालिसिस के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब में से जो बेस्ट अमंग ऑल होगा वो ग्लोबल होगा वो लोकल भी होगा अपने नियर बाय या नेबरहुड के लिए लेकिन बाकी तमाम लोकल्स को देखते हुए जो सबसे बेस्ट लोकल होगा वो ग्लोबल कहलाएगा अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारे पास जो मेन सवाल तो जो इसके लिए ऑप्टिमाइजेशन के लिए आते हैं तो वो अगर उसमें देखें एक एग्जिस्टेंस का है कि क्या वो हल जिसको हम चाह रहे हैं वो वाकई अवेलेबल है वो बनता भी है उस सिस्टम में कि नहीं क्योंकि अगर पॉसिबल है कई दफा हम कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करके देखेंगे तो वो सोल्वेबल नहीं होती इसी तरीके से अगर आप मैथ को पढ़ चुके हैं तो हम देखेंगे कि मैथ में कई दफा हमारे पास एक मैट्रिक्स ऐसी आ जाती है जिसका हल नहीं होता तो इसमें हमारे पास एग्जिस्टेंस बेसिकली वो सवाल है जिसमें हम कहते हैं कि क्या वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन सोल्वेबल भी है कि नहीं और अगर है तो फिर उसको लोकल और ग्लोबल का पॉइंट देखना है हमने करने के बाद वो ही वाला लोकल या ग्लोबल पॉइंट यूनिक हो वो रिपीटेड ना हो उसका होना बहुत ज़रूरी है फिर इंटीरियर सोलूशन और उसकी लोकेशन जब हम इंटीरियर सोलूशन की बात करते हैं तो वो बाउंड्री पे है या सिस्टम के अंदर मौजूद है क्योंकि अगर बाउंड्री पे होगा तो उसकी रिपरकशंस कुछ और आती हैं इस ग्राफ की मदद से अगर हम इन चीज़ों को देखें तो मैं आपके लिए आउट करना चाहूँगी कि अगर हम इसमें अगर हम ड्रा करें तो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आप देखें एक वेरिएबल को ड्रा किया है और उसी तरीके से एक वेरिएबल जो है उसके फंक्शन को हमने ड्रा किया है जो कि वाई एक्सिस के ऊपर और जब हम इन दोनों के मुख्तु कम्बिनेशन को देखते हैं जिसमें से एक हमारा इस पॉइंट पे आ रहा है और उसके बाद ये कर्व ड्रा होके नीचे चला जाता है फिर ये ऊपर आता है तो फिर यहाँ पे मौजूद है तो अगर हम देखें तो हमारे पास इसी ग्राफ के अंदर एक ये वाला पॉइंट है तो अगर इसके मैं ये नियर बाय पॉइंट्स को देखूं जिसको मैं अब शेड कर रही हूँ तो ये इसका नेबरहुड बनता है तो इस नेबरहुड के अंदर ये वाला लोकल मैक्सिमम एक होगा उसी तरीके से अगर हम ये वाले पॉइंट्स इसके हम नोट करते हैं और ये इसके तमाम नेबरहुड कहलाएगा तो इस नेबरहुड के अंदर ये वाला पॉइंट जो है ये भी एक लोकल मैक्सिमम होगा लेकिन जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में से ये वाला पॉइंट लोकल मैक्सिमम भी है अपने नेबरहुड के मुकाबले में और इसके मुकाबले में उससे हायर पॉइंट पर है तो इस दोनों को करते हुए अगर हम कहें तो इसको हम कहेंगे कि ये इसका ग्लोबल सोल्यूशन कहलाएगा और इसी ग्लोबल सोल्यूशन के ऊपर अगर हम कहें कि ये ग्राफ जो है ये इस तरह नीचे आने की बजाय ये इसी तरीके से अगर ये ऊपर को चला जाए तो अगर ये जब ऊपर को जाएगा तो हम देखेंगे कि अगर आप कि ये इनफिनिटी की तरफ चला जाता है क्योंकि ये टर्न हो के नहीं आ रहा नीचे तो ऐसी जगह पे अगर एक पॉइंट पहुंच जाता है दैट इज़ कॉल्ड द बाउंड्री पॉइंट तो ये वो ऑस्पेक्ट्स को देखते हुए हमने अपने मॉडल्स में या मेथड्स में देखना होगा अब इसमें अगर हम देखें तो एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हम किसी भी पॉइंट को जब इस जगह पे करेंगे तो ये उसका मिनिमम पॉइंट होगा उसी तरीके से जब ये अबव वाला पॉइंट होगा तो ये लोकल मैक्सिमम कहलाए और इसी तरीके से ये उसका मैक्सिमम कहलाएगा अगर हम इसमें कुछ और ग्राफ को ड्रा करना देखें तो ये सिर्फ एक यही शक्ल नहीं होगी हम चूंकि अपने इकनॉमिक्स में बहुत से ग्राफ ड्रा करते हैं उसमें अगर मैं आपसे सामने ड्रा करूं कि एक हमारा साइकिल इस तरीके से हो सकता है जिसमें आप देखें कि ये इस तरीके से थोड़ा सा हर दफ़ा बढ़ता जा रहा है तो अगर मैं देखूँ तो इसमें एक ये मिनिमम है फिर एक ये मिनिमम है ये मिनिमम है ये अपनी जगह मैक्सिमम है ये अपनी जगह मैक्सिमम है ये अपनी जगह मैक्सिमम है, है और ये अपनी जगह मैक्ममम है लेकिन इन चारों मैक्सिमम में से जब अगर हम तय करेंगे तो ये लाइन यहाँ पे आ रही है ये उससे हायर है ये नेक्स्ट हायर है और ये उससे अबव है तो चूंकि द हाइस्ट रेंज इज़ दिस तो दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड द ग्लोबल मैक्सिमम एंड लाइक दिस अगर हमने मिनिमा की बात करनी हो तो हम उसमें भी तय कर सकते हैं कि कई दफ़ा हमारे बहुत से पॉइंट्स में जो मिनिमम में से भी हम अगर देखें कि अगर मैं इसको ड्रा करूँ इस तरीके से तो ये भी मिनिमम है ये भी मिनिमम है लेकिन ये सबसे ज्यादा मिनिमम है तो दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड ग्लोबल मिनिमम और उसी तरीके से जो ये वाला पॉइंट है दैट विल बी द ग्लोबल मैक्सिमम तो कोई भी ऐसा पॉइंट अगर हम देखें मैं अगर इस कर्व को एक साइड लाइन पे करूं जिसमें अगर हम देखें तो हम एक साइड पे मैं कहूं ये वाले पॉइंट अगर हम ड्रा करेंगे तो ये वाला जो टर्निंग पॉइंट है ये दो कॉन्टूअर्स का मीन व्हेन देयर इज द टर्निंग ऑफ द स्लोप जब हम इसको ड्रा करेंगे तो इस पॉइंट को हम कहते हैं द डल पॉइंट और जब भी हमने लोकल या ग्लोबल आइदर मिनिमा या मैक्सिमा को हमने सॉल्व करना होगा उसके लिए हमने स्लोप ऑफ दिस दिसल पॉइंट कैलकुलेट करनी होती है विद रिस्पेक्ट टू आइदर दिस एक्सेस और हम उसमें देखते हैं कि उस एक यूनिट के चेंज से इसमें स्लोप में क्या चेंज हुई या नहीं तो सेडल पॉइंट विल बी दैट पॉइंट जिसके ऊपर हम कहते हैं कि जब रेट ऑफ चेंज जो है वो जीरो हो जाए